बात करेंगे वेदर अपडेट की। कराची में वैसे सर्दी कुछ कम हो गई है, लेकिन कराची वाले फिर भी जैकेटों में रहना पसंद करते हैं, हाथे भी जेब में रखते हैं, क्योंकि ऐसे लगे कि सर्दी बहुत है, वरना कहते हैं ना वो प्लेसिबो इफेक्ट, आप सोचेंगे सर्दी बहुत है सर्दी लगेगी भी, क्योंकि सर्दी कम हो गई और आज से मजीद कम होना शुरू हो जाएगी। वस्ती पंजाब में भी सर्द हवाएं थम सी गई हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी आई है, लेकिन पंजाब में धुंध ने सबको परेशान कर रखा है। बलोचिस्तान में सर्दी अब भी अपने जोबन पर है, खास तौर पर शुमाली बलोचिस्तान में बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आज कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकाम पर हल्की फुल्की बारिश होगी और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला कहा जा रहा है कि जारी रहेगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नजर डालते हैं आम शहरों के दर्जा हरारत पर, तो कराची में कम से कम 13 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आज, और लाहौर में कम से कम 7 रहने का इम्कान, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस्लामाबाद में टेम्परेचर कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 रहेगा, माइनस से निकल आए, हम जानते हैं कोयटा माइनस में चल रहा था जिसकी वजह से वहां पर लोगों को शदीद मुश्किल का सामना था। पिशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहने का इम्कान है। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। खून ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह, ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।